नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर कारवा पे। आज हम आए हैं मन्ना का गांव, जो कि अलवर तहसील में पड़ता है, और यहां पे किसान हैं। हम उनसे बात करेंगे। उनके पास में दो दो मैसी ट्रैक्टर हैं 241, उनके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। किसान से आपको रिव्यू देने वाले हैं कि वो इस ट्रैक्टर को कितने सालों से चला रहे हैं, और दो दो ट्रैक्टर उन्होंने क्या ज़रूरत पड़ी दो दो ट्रैक्टर खरीदने की, इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप अगर ट्रैक्टर कारवा के चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। यूसुफ भाई, आपने ये जो ट्रैक्टर है 241 मैसी फर्गुसन, ये कितने साल पहले खरीदा था? ये मैंने 2017 में लिया था। 2017 में आपने ये ट्रैक्टर लिया था जी। उसके बाद में आपने ये ट्रैक्टर चलाया जी, बिल्कुल। तो चलाने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ इस ट्रैक्टर के ऊपर? आपको बहुत अच्छा लगा था इसका? मुझे बहुत अच्छा लगा जी। क्या अच्छा लगा था इसके अंदर आपको? इसके हर खासियत, इसकी लिफ्टिंग में और माइलेज में हर तरह से अच्छा ट्रैक्टर है, एक नंबर ट्रैक्टर है। माइलेज में, लिफ्टिंग में, जुताई में, सारी चीज में एक नंबर ट्रैक्टर है। तो ये जो ट्रैक्टर है जी, आगे से उठने की इसमें दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। ट्रॉली में बढ़िया खिंचाई है? हाँ, एक नंबर खिंचाई करता है, नहीं उठता है, नहीं कोई तरह की कोई इशू नहीं है इसमें। अगर जैसे मान लीजिए आप ट्रैक्टर चला रहे, जुताई कर रहे हैं जी, तो हल जो लगते हैं जी, कल्टीवेटर जी, वो बढ़िया तरीके से जुताई करते हैं? बिल्कुल बराबर चलते हैं, नहीं दबता है, नहीं उठता है आगे से, नहीं फिनिशिंग कर, टायर जिसे घूमते हैं ना जी, ऐसे कुछ नहीं इसमें, एक तो नंबर ट्रैक्टर चलता है। छोटी सी जगह में ये घूम जाता है? हाँ बिल्कुल, छोटी सी जगह में घूम जाता है। ज्यादा कटाई तो नहीं लेता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लेता। तो ये जो ट्रैक्टर है आपने 2017 में लिया था जी? बिल्कुल। उसके बाद में दूसरे ट्रैक्टर की क्या जरूरत पड़ी थी जो आपने दूसरा ट्रैक्टर लिया था? दूसरा ट्रैक्टर इसीलिए लिया था, एक नंबर ट्रैक्टर था, इसका माइलेज देखकर, इसकी लिफ्टिंग देखकर, हर चीज, हर खासियत, इसलिए दूसरा ट्रैक्टर लिया था मैंने। दूसरा अच्छा ट्रैक्टर लिया मुझे। तो आपके पास में कितने बीघा जमीन है? मेरे पास 40-50 बीघा जमीन है। तो एक ट्रैक्टर से जमींदारा होता नहीं है? नहीं होता। तो दूसरा ट्रैक्टर इसीलिए आपको लेना पड़ा? लिया था मैंने। तो आप जो ये काम करते हैं जमींदारा का जी, इसमें आपने ये पीछे जी, इसमें आपने इम्प्लीमेंट लगा रखा है जी? बिल्कुल लगा रखा है। ये इम्प्लीमेंट क्या है, किस काम में आता है, क्या काम में आप इसको लेते हैं? सर ये मोटर खींचने के लिए काम आता है, इससे आसानी से मोटर खींच जाती है। आसानी से मोटर खींच जाती बिल्कुल। है कितने गहराई तक से आप इस मोटर को खींच सकते हैं? इससे 2500 फुट तक खींच सकते हो आप। 2500 फुट तक की आराम से खींच आराम से खींच सकते हो। तो इसके साथ में आप ये इम्प्लीमेंट भी लगाते हैं, फिर आप एमबी प्लाउ वगैरह भी चलाते होंगे? बिल्कुल चलाते हैं। रोटावेटर? बिल्कुल। रोटावेटर 7 फुट का चलाते हैं? बढ़िया चलता है, बढ़िया, एक नंबर चलता है, एक नंबर चलता है। बिल्कुल। ट्रैक्टर में आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आज तक आई? कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आई किसी भी तरीके की? किसी भी तरह की। दूसरा ट्रैक्टर आपने कब लिया था? ये 2022 मॉडल है, दूसरा ट्रैक्टर जो है 2022 में आपने लिया था ये ट्रैक्टर। तो 2022 में आपने ये ट्रैक्टर लिया, तो यानी कि दूसरा ट्रैक्टर की जरूरत पड़ी आपको कि एक ट्रैक्टर और लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एक ही किसान के पास में एक ही कंपनी के दो दो ट्रैक्टर हैं, और दोनों एक ही श्रेणी के हैं, 42 HP की श्रेणी के दोनों ट्रैक्टर हैं। ये 241 42 HP श्रेणी में आते हैं, 42 HP में आते हैं, और इनमें सैमसंग का इंजन आता है इन ट्रैक्टरों के अंदर, और टैफे बनाती है इन ट्रैक्टरों को। तो ये किसान है, किसान जो बता रहा है आपके सामने, हमने आपका रिव्यू दिखाया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? जी बिल्कुल, एक नंबर ट्रैक्टर है, मेरे सलाह तो यही है इसी ट्रैक्टर को ले अगर कोई लेना चाहता हो। किसान के बारे में एक नंबर ट्रैक्टर है, हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में।
अगर कोई ट्रैक्टर लेना चाहता हो तो ये 241 मैसी लें। मैसी ही लें जी बिल्कुल। इसमें मैसी में क्या क्या खासियत आपने देखी, थोड़ा सा और हमें बता दीजिएगा। सर खासियत क्या, सारी खासियत ही खासियत इस ट्रैक्टर में, क्या खासियत बताए इसमें, सारी खासियत है, खासियत ही इसमें। तो एक कहावत है, उस कहावत को भी आप कह दीजिएगा, घी खाओ देसी चलाओ मैसी। घी खाओ देसी और ट्रैक्टर जोतो मैसी। मैसी तो ये इनका कहना है कि घी खाओ देसी और ट्रैक्टर जोतो मैसी। तो ये किसान है और किसान का रिव्यू हमने आपको दिखाया है। तो साथियों, किसान भाइयों, अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को ट्रैक्टर कारवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।